focuses on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech. Well, we have with us an Indian's women team hockey captain Rani. Rani, first of all, आपसे जानना चाहेंगे कितने excited हैं अभी World Cup होने वाला है उड़ीसा में? काफ़ी एक्साइटेड हैं कि वर्ल्ड कप होने वाला है, मेंस वर्ल्ड कप जो है वो उड़ीसा में होने वाला है और एक होम क्राउड के सामने एक अलग ही एनर्जी होती है खेलने के लिए. सो हमारी जो मेंस टीम है उसके पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उसको अवेल करें अपने होम क्राउड के सामने खेल के और वर्ल्ड कप में मेडल लें. अगर पहले की बात करें तो हॉकी को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही थी, आज के टाइम में सीएम साहब भी आए, उन्होंने वो स्पेशली यहाँ पे आए एक मोटिवेट करने के लिए, तो कितना मोटिवेशन मिलती है प्लेयर्स को जब ऐसा होता है? काफ़ी मोटिवेशन मिलती है प्लेयर्स को जब आपको कोई सपोर्ट करता है, हॉकी को सपोर्ट करता है. जैसे आज उड़ीसा के जो सीएम है यहाँ पे आए हुए थे, वो काफ़ी हॉकी को सपोर्ट करते हैं और हमारे जो जितने लीजेंड्स हैं पुराने वो सब आए हुए थे यहाँ पे. उससे प्लेयर्स को मोटिवेशन मिलता है कि अगर आपको कोई सपोर्ट करे तो आप और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें. सो ऐसा हर स्टेट में होना चाहिए, हर सीएम्स को जो है वो हॉकी को सपोर्ट करना चाहिए ताकि और मैक्सिमम प्लेयर्स आगे आ सकें और हॉकी खेलें. आज के टाइम में बात करें स्पोर्ट्स कल्चर में फिटनेस की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो हॉकी में आपके लिए फिटनेस की कितनी इंपॉर्टेंस है? फिटनेस आई थिंक हॉकी का एक की पॉइंट है कि आपके पास सबसे पहले फिटनेस होना चाहिए अगर आपको खेलना है तो, क्योंकि आज की हॉकी बहुत स्पीडी हो गई है जो आप बिना फिटनेस के नहीं खेल सकते. और जैसे हमारा जो ट्रेनर है वो काफ़ी साइंटिफिक एडवाइज़र है, वो काफ़ी अच्छा है कि टीम के फिटनेस के ऊपर उसने काफ़ी काम किया पिछले टाइम से और अभी टीम की जो फिटनेस है वो काफ़ी उसका लेवल जो है आ पाया है और होपफुली फ्यूचर में वो उससे ज़्यादा ऊपर ही जाएगा. फाइनल क्वेश्चन, क्या आप मेंस वर्ल्ड कप में स्टेडियम में जाएंगे इनको मोटिवेट करने के लिए? हमारी विश है कि हम लोग वहाँ पे जाएं अगर हमारा कोई मेजर इवेंट ना हुआ उस टाइम पे या हमारा कोई टूर्नामेंट ना हुआ तो हम लोग डेफिनेटली जाएंगे कि उनको जाएं और हमारी जब खुद की इंडियन टीम वहाँ पे खेल रही है तो उसको हम लोग चीयर करें जाएंगे. थैंक यू सो मच.